हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड, ये है डिज्नीलैंड पार्क पीछे, सो लेट्स हिट इट। मैं आपको डिज्नीलैंड के मेन एंट्रेंस से क्विक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। सिर्फ देखो कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए और फाउंटेन्स देखो, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है फाउंटेन्स का भी। और वहाँ से हम जाने वाले हैं डिज्नीलैंड के मेन एंट्रेंस से। सो गाइस, मुझे देखना है कि डिज्नीलैंड के अट्रैक्शंस क्या वॉल्ट डिज्नी को बीट कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज हमने वॉल्ट डिज्नी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया है। तो आई होप डिज्नीलैंड भी उतना ही मज़ेदार हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे आगे दिख रहा है डिज्नी कासल, सो गाइस क्यों ना मैं आपको डिज्नी कासल की ओर लेके जाऊँ, बट थोड़ा कुछ म्यूजिक के साथ। सो एन्जॉय द सिनेमैटिक शॉट्स। तो वॉल्ट डिज्नी, आई एम सुपर पम्प्ड अप विद लॉट ऑफ एनर्जी एक्साइटमेंट इन माई बॉडी। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिज्नी कासल नाउ, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द पीपल आर गोइंग, बिकॉज वहाँ पे एक डिज्नी का परेड अभी निकलने वाला है। उसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, पर चलो उधर जाके ही देखते हैं क्या सीन है। वो रहा डिज्नी कासल, अभी हम वहाँ पे नहीं जाने वाले, बाद में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्रिल राइड्स है जो हम करने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे एंट्रेंस से वहाँ से हम जाएंगे वो राइड्स के लिए। और बाद में हमें कैसल सो जाएंगे नाइट में, बिकॉज नाइट में बहुत सारे शोज होते हैं। एंड लुक एट द ग्रीनरी गाइस, इट्स सो अमेजिंग। आज रियली मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोच रहे थे फ्रांस आऊँगा, बिकॉज फ्रांस का बहुत सुना था, बट यहाँ पे लोग एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस पीपल आर हियर। देखो ये पूरा डिज्नीलैंड का पार्क है, बहुत सारे सारे अट्रैक्शन से, बहुत सही वाले। ये देखो मेरी फैमिली पॉपकॉर्न खा रही है। राइड वाज अमेजिंग, इतना ज़्यादा मजा है, बहुत बड़ी राइड थी, लाइक 5 मिनट्स इन टोटल, बहुत सही मज़ा आ गया। ये था ये वाला, ऐसे घुमा रहे थे पूरा, ऐसा उल्टा नीचे उल्टा सीधा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। अंदर तो टनल था, टनल के अंदर गए, टनल के अंदर भी पता नहीं चल रहा था किधर है। आई वाज लाइक ओके आई वाज स्प्रिंग लेट, अच्छा अभी ऑफ ना हो ट्रैक ऑफ ना हो, नहीं हुई, इट वाज ऑल बेस्ट, मज़ा आएगा। सी यू नेक्स्ट राइड। अभी हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड परेड देखने को, रिकॉर्ड करता हूँ परेड को, मे बी सिनेमैटिक रहेगा शॉर्ट्स, नहीं तो एक वीडियो रहेगा, और एंजॉय करो। There's a parade going on at the Disneyland, so we are just going to go with a wait time of 5 minutes. Let's adventure. Let's make this ride happening. Old Willies, Elvish, how are you feeling about the rides?
What is best, Walt Disney or Disneyland for now? The important thing is that the wait time is only 5 minutes. Yeah. Walt Disney for now. Because every crowd and everybody or 70% of the crowd is at Disneyland Parade. Walt Disney for now. Look at this, guys. Beautiful. So what treasure are you gonna find? I don't know, let's see. Maybe some Kohinoor diamonds. Kohinoor diamonds, it's in England. Come back again. There's a sleeping tent. That was a sleeping tent for Indiana Jones. Here we go. The line. Guys, Pirates of Caribbean किया बहुत अच्छा लगा. I mean मुझे Disneyland और Walt Disney का एक बहुत अच्छा लगा, you know that they have invested so much of time, money in it and it is totally worth it. Every single penny what you spend for it, it's actually worth it. So अभी हम अलग roller coaster एक ride करने वाले, दो तीन attractions बहुत अच्छे अच्छे बचे हैं वो करेंगे. Parents गए हैं Fantasyland PU को लेके, they enjoying with PU over there. और उसके बाद में हम जाएंगे कोई और roller coaster के लिए. सो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. अभी तो 3.5 घंटे बाकी है दिन ढलने के लिए सिर्फ. सो लेट्स सी, वी गोना बी हियर बाय 10 or 11. वैसे अपॉइंटमेंट बहुत क्लोज बाय है और कल फ्लाइट पकड़नी है ज्यूरिख के लिए अर्ली मॉर्निंग. बट वी आर एंजॉयिंग, वी आर हैविंग अ बेस्ट टाइम ओवर हियर. टायर्ड? यस, वेरी मच. नहीं है, झूठ बोल रहा है. और ये आज के दिन का लास्ट राइड है गाइस. बहुत मज़ा किया डिज़्नीलैंड में, बहुत ज़्यादा मज़ा. अभी अंदर जा रहे बट टीचर अगर बैठोगे तो इतना फील नहीं आएगा. बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थम्स अप.